नमस्कार दोस्तों, आपका लाइब्रेरी इन हिंदी चैनल में स्वागत है। आज देखेंगे लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड 2016 का जो पेपर आया हुआ है उसका एनालिसिस। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। सूचना फिजिकल प्रौद्योगिकी से भी अधिक शक्तिशाली है और ये एक ऐसा आदर्श लिंक है जो कि समाज को एक साथ एक सूत्र में बांधे हुए है। इस कथन को निम्न में से किसने उद्धृत किया था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर एस आर रंगनाथन, दूसरा है डब्ल्यू सी बी शेयर्स, तीसरा है विलियम ई हलाल, चौथा है ए नील मैगन। तो इसमें सही आंसर रहेगा विलियम ई हलाल। दूसरा क्वेश्चन है, रंगनाथन ने बनारस में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन में एक मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो इसमें पहला ऑप्शन है 1931, दूसरा 1930, तीसरा 1933, चौथा 1937। तो इसमें रहेगा सन 1930। अगला तीसरा क्वेश्चन है, राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक जिला पुस्तकालय, राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय, राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय और राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय को जहाँ स्थित है उनको निम्न में से सही क्रम में चुने। तो इसमें रहेगा जो राजकीय हरिश्चंद्र जिला पुस्तकालय है वो झालावाड़ में है, राजकीय सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय है वो जोधपुर में है, राजकीय सरस्वती मंडल पुस्तकालय है वो उदयपुर में है और राजकीय महाराजा सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय है वो जयपुर में है। तो इसका सही आंसर रहेगा 3 नंबर में, झालावाड़, जोधपुर और जयपुर। देश की किस पंचवर्षीय योजना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षिक पुस्तकालयों में अपने अनुसंधान करने में व्यस्त वैज्ञानिकों के समय को बचाने के लिए रिप्रोग्राफी सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान किया गया? पंचम पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर रहेगा छठवीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 5, किस आयोग ने यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं, उसे प्रोफेसर की तरह रैंक, स्केल, पद तथा सेवा आदि दी जानी चाहिए? तो इस क्वेश्चन को अधीनस्थ बोर्ड ने डिलीट किया था। अगला क्वेश्चन रहेगा छठा क्वेश्चन, जिसमें है आईएसबीएन का अभिप्राय है। तो इसमें इंडियन नाइजीरियन बायोग्राफी, इंडियन नेशनल बायोग्राफी, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, इंडियन नॉर्थन बिब्लियोग्राफी। तो इसका सही आंसर रहेगा इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, 3 नंबर। अगला क्वेश्चन है, सन 1900 में बगीचा पुस्तकालय गार्डन लाइब्रेरी जयपुर को निम्न में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका पहला है मिर्जा राजा राम सिंह, राय बहादुर ईशान, स्वाई जय सिंह, स्वाई प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा राय बहादुर ईशान। क्वेश्चन नंबर 8 है, उस लाइब्रेरियन का नाम बताइए जो कि निःशुल्क रूप से पुस्तकों को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दस्ती पुस्तक सेवा प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है और इस कार्य के पुस्तकों का इंतजाम करने अपने निजी संसाधनों से हासिल करते थे। तो इसमें पहला ऑप्शन है सर मिर्जा राजा इस्माइल, राय बहादुर ईशान, मास्टर मोतीलाल सिंघवी, अजीत सिंह। तो इसका सही आंसर है मास्टर मोतीलाल सिंघवी। अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान के पांचवें सूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील है। तो इसमें पहला है ऑर्गेनिज्म जीव, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, इंस्टीट्यूशन संस्था, सेंटर केंद्र। तो इसमें पंचम सूत्र के अनुसार ऑर्गेनिज्म जीव माना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुस्तकालय संघ
आईएल द्वारा जारी आईएल ए बुलेटिन, जिसका प्रकाशन जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में किया जाता है, की आवृत्ति है। तो इसमें द्विमासिक, त्रैमासिक, मासिक या वार्षिक? तो इसमें सही उत्तर रहेगा त्रैमासिक। अगला क्वेश्चन, ग्रंथाना एक आधिकारिक सरकारी प्रकाशन है। राष्ट्रीय मिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग या राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता? तो इसका सही आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता, RRRLF। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम विधेयक राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो 2000, 2003, 2006, 2012? तो इसका सही उत्तर रहेगा 2006। अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय उपकर किससे संबंधित है? सार्वजनिक पुस्तकालय से, शैक्षणिक पुस्तकालय से, विशेष पुस्तकालय से, ई लाइब्रेरी से? तो इसका सही आंसर रहेगा सार्वजनिक पुस्तकालय से। पुस्तकालय समिति निम्न में से किसका अंग है? तो इसमें पुस्तकालय मानव संसाधन, पुस्तकालय वित्त, पुस्तकालय कार्मिक और पुस्तकालय शासन। तो इसमें सही उत्तर रहेगा पुस्तकालय शासन, लाइब्रेरी गवर्नर। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने राजकीय सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय हैं? तो इसमें 7, 6, 8, 5? तो इसका सही आंसर है 7। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय किस विभाग के अधीन संचालित है? समाज कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग? तो इसमें सही आंसर रहेगा भाषा एवं पुस्तकालय विज्ञान। सन 1972 में यूनेस्को द्वारा मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कंप्यूटर किट सूचना पुनर्प्राप्ति योजना के प्रशिक्षण बाबत निम्न से कौन सा प्रशिक्षण किया था? तो इसमें सही उत्तर रहेगा 2 नंबर, सामाजिक एवं मानव विज्ञान के लिए डेटा रिट्रीवल प्रणाली, DARE। अगला क्वेश्चन रहेगा, यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र अंतिम बार किस वर्ष में संशोधित किया गया? तो इसमें 1978, 2006, 2009 या 1994? तो इसका सही उत्तर रहेगा 1994। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन इफला की स्थापना 30 सितंबर 1927, 27 सितंबर 1927, 29 सितंबर 1927 या 28 सितंबर 1927? तो इसका सही आंसर रहेगा 30 सितंबर 1927। फिर अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा कार्य विधि जिससे विभिन्न पुस्तकालयों के कार्यों को एक से अधिक कॉमन्स द्वारा साझा किया जाता है, को किस विधा के नाम से जाना जाता है? तो इसमें संसाधन साझा के नाम से 2 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, दशमलव वर्गीकरण पद्धति का प्रथम संस्करण की आख्या से प्रकाशित हुआ है? तो इसमें ये जो 4 नंबर उत्तर रहेगा, ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटालॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पंपलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, इसमें दशमलव वर्गीकरण पद्धति का वह कौन सा संस्करण जिसकी आख्या में डीवी का नाम नहीं था अपितु उसे मुख्य पृष्ठ के पीछे लिख दिया गया? तो इसमें है प्रथम संस्करण। दशमलव वर्गीकरण पद्धति के प्रथम संस्करण में कुल कितने पृष्ठ थे? तो इसमें थे 44 पृष्ठ। पहले 42 पृष्ठ थे, उसके बाद में 2 जोड़कर 44 पृष्ठ कर दिए गए। तो इसमें 42 का ऑप्शन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 45, 46, 44, 49 है, तो इसमें 44 पृष्ठ राइट माना जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, द्विबंधी वर्गीकरण पद्धति में किस संबंधित है? तो ये है क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, द्विबंधी वर्गीकरण पद्धति में द्विव बिंदु निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें सही उत्तर माना गया था निम्न शून्य। अगला क्वेश्चन,
शब्द लिटरेटिव वारंट को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसमें है ई विद्वान हेल्मे। 27वां क्वेश्चन है, कैटालॉग शब्द निम्न से किस ग्रीक अभिव्यक्ति का संयोजन से प्राप्त हुआ है? तो इसमें एक नंबर सही माना गया था, काटा प्लस लोगोस। अगला क्वेश्चन, कैटालॉग जब दो या दो से अधिक पुस्तकालयों के संग्रह के प्रतिनिधित्व करता है तो उसे निम्न से क्या कहा जाता है? उसे संघ सूची कहा जाता है, वर्गीकृत सूची संहिता है, भारत की प्रथम सूची संहिता, भारत की प्रथम वर्गीकृत सूची संहिता। अगला क्वेश्चन है, रेमिफिकेशन का तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर होगा विषय का विभाजन एवं उप विभाजन। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण करने की गतिविधियों के 0 से 4 चरण को कहते हैं? तो इसमें सही उत्तर रहेगा वैचारिक धरातल। अगला क्वेश्चन है, एम्ब्रिज दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नवीनतम संस्करण को बताइए? तो इसमें सही है 15वां संस्करण। फिर अगला क्वेश्चन है, इसमें दशमलव वर्गीकरण पद्धति के न्यूनतम संस्करण को बताइए? तो इसमें है 23वां संस्करण। अगला क्वेश्चन रहेगा, दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 20वें संस्करण की प्रमुख उपलब्धियां? इसका 1993 में सीडी रोम जारी किया गया इलेक्ट्रॉनिक वर्जन था, तो इसका सही है इलेक्ट्रॉनिक डीवी। दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण में कुल कितने खंड थे? 4। 37 नंबर क्वेश्चन, दशमलव वर्गीकरण पद्धति के 21वें संस्करण के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन का नाम निम्न में से क्या था? तो इसमें था डीवी फॉर विंडो, DFW। अगला क्वेश्चन रहेगा, फिनिक्स अनुसूची निम्न में से किसका अंग है? तो इसका है दशमलव वर्गीकरण पद्धति, DDC। अगला क्वेश्चन, एंग्लो अमेरिकन कैटालॉग रूल्स 2 AACR 2 के मुताबिक मुख्य प्रविष्टि बनाने के दौरान प्रत्येक क्षेत्र पहले क्षेत्र के अलावा की शुरुआत तथा नया अनुच्छेद शुरू होने से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें रहेगा पूर्ण विराम स्पेस डैश स्पेस। 2 नंबर आंसर सही माना गया था। फिर है, एंग्लो अमेरिकन कैटालॉगिंग रूल्स 2 के मुताबिक ARCAA यदि सूचना निर्धारित स्रोत S के अलावा बाहर से ली जाती है तो निम्न में से किस कोष्टक में बंद किया जाता है? तो इसमें है बड़ा कोष्टक। अगला क्वेश्चन, परिग्रहण क्रमांक का अर्थ होता है प्रत्येक पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त किया जाने वाला परिग्रहण क्रमांक का अर्थ होता है प्रत्येक पुस्तकालय द्वारा प्रदत्त किए जाने वाली यूनिक। अगला क्वेश्चन, निदानी सूची का मुख्य उपयोग है भौतिक सत्यापन, इसका सही आंसर है। परिग्रहण पंजिका का मानक आकार क्या है? 16x13। अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय सूची पत्रक विशेष रूप निर्मित दराजू डाइस पर रखे जाने वाले को निम्न से क्या कहा जाता है? सूची कैबिनेट। पुस्तकालय द्वारा क्रय की गई पुस्तकों का भुगतान निम्न से किस प्रक्रिया के बाद में किया जाता है? परिग्रहण के बाद। तकनीकी विभाग द्वारा मुख्यतः 2 कार्य संपादित किए जाते हैं जिनमें वर्गीकरण तथा सूचीकरण। अगला क्वेश्चन, उपयोगिता पाठक पुस्तक लौटाने पर उसे पुस्तक जमा कर कार्ड्स लौटा दिए जाते हैं, इस प्रक्रिया को निम्न से क्या कहा जाता है? आगम डिस्चार्जिंग। पुस्तकालय में प्रवेश पर पाठकों के निजी सामान को निम्न से किस में रखा जाता है? संपत्ति काउंटर में। अगला क्वेश्चन, पाठकों द्वारा अलमारियों में किताबों को गलत निधानी में रख दिया जाता है तो उसे पुनः उसी निधानी में रखने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? निधानी परिशोधन। पुरानी अनुपयोगी एवं शाहिदी कभी भी इस्तेमाल नहीं की गई पुस्तकों के प्रत्याहरण की प्रक्रिया को कहा जाता है छटनी या विडनिंग। दोस्तों,
100% लाइब्रेरी के आए थे, 50 जीके के आए थे, जिसमें से लाइब्रेरी के 1 से 50 क्वेश्चन यहाँ सोल्व करवा दिए गए हैं। अब वीडियो नंबर 2, जिसमें 51 से 100 तक लाइब्रेरी के क्वेश्चन ही हल होंगे, और फिर वीडियो नंबर 3 में जीके के 101 से 150 क्वेश्चन तक करवाए जाएंगे। उसके बाद में जीके का भी इसी तरीके से चालू रहेगा, अपने सिलेबस के अनुसार अध्यायवार वो क्वेश्चन रहेंगे जो पीछे की एग्जामों में आए हुए हैं। धन्यवाद।